कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। जब वो ये बात कहे होंगे तो उस समय भी कुछ नासमझ लोग रहे होंगे, इसलिए तो कहा जाता है कि जब सदगुरु कबीर ने ये बात कही कि जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, तो दो चार लोग अपनी झोपड़ी में आग लगा के उनके पास आ गए और कहा मैंने भी घर में आग लगा दिया। साहब ने कहा किस घर में? कहा जो अभी नई नई झोपड़ी बनाए थे। कहा पागल हो तुम, मैंने उस झोपड़ी की बात ही नहीं की, जला दिए रहोगे कहाँ? मैंने तो भीतर के घर की बात की, जो ममता मोह अहंकार ममकार का घर तुमने बना रखा है, माया जाल को जो तुमने भीतर बना रखा है, अहंकार को जो तुमने बना रखा है, मैंने उसे जलाने की बात की थी और उसे तो तुमने पुष्ट कर दिया। घर जलाने की बात मैंने नहीं की थी। तो वो जो ज्ञान की मशाले उन्होंने दी थी जिससे हम भीतर के कचरे को जला सकें, जो ज्ञान की मशाल उन्होंने दी थी जिससे हम अपने सारे विकारों को जला सकें, वो ज्ञान की मशाल बुझ गई, डंडा हाथ में रह गया और वो डंडा आज तक चला आ रहा है, मशाल बुझ गई। और जानते हैं इसका कारण क्या हुआ? कि जब तक वो मशाल जीवंत था, जब तक वो मशाल जगमगा रहा था, वो प्रज्वलित था, तब तक अंधविश्वास मिट रहा था, तब तक संप्रदायवाद मिट रहा था, तब तक नफरत और घृणा मिट रही थी, तब तक सारे कचरे जल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो दिया बुझा, जैसे ही वो मशाल बुझ गया, डंडा हाथ में रह गया, अब वो डंडा सिर्फ लड़ने और लड़ाने के काम में आ रहा है। अब उसी डंडे से हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अब उसी डंडे से हम जातिवाद कर रहे हैं, उसी डंडे से हम संप्रदायवाद कर रहे हैं, उसी डंडे से हम छुआछूत कर रहे हैं। जो डंडा कभी कचड़े को हटाने के लिए था, आज वही डंडा हमारे जीवन को नरक बना रहा है। हम कबीर पंथी हैं, हम संत मत के हैं, हम राधा स्वामी के हैं, हम सदाफल के हैं, हम जय गुरुदेव के हैं, दुनिया भर के हमने पंथ पंथाई बना लिए, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम एक इंसान बनकर रह ही नहीं पाए। और इंसान तो छोड़ दीजिए, कम से कम भारत देश में है, भारतीय बनकर तो रह सकते हैं, इस मुल्क में हम भारतीय बनकर तो जी सकते हैं, भारत के प्रति हम अपना अपनी सच्ची निष्ठा समर्पित तो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम इतने नकारात्मक ऊर्जा और विचार से भरते चले गए। और उसका कारण बचपन से ही वो शिक्षाएं हैं, वो संस्कार है, जो शुरू में माता पिता से, फिर शिक्षा के द्वारा, फिर लोगों के द्वारा, फिर टीवी रेडियो के द्वारा, फिर इंटरनेट के द्वारा बच्चों में दिया जाता है और उसी का परिणाम है। अभी आप जरा अनुभव करें, संध्या वेला हो रहा है, सांझ का समय हो रहा है, अंधेरा हो जाए और आप सब और हम सब कहें कि प्रकाश होता तो बड़ा अच्छा होता, प्रकाश जला दिया जाए तो जगमगा जाए, और अंधेरे पर हम बड़ा प्रवचन शुरू कर दें कि अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरे में एक दूसरे को कुछ नजर नहीं आता, अंधेरे में हम कोई काम नहीं कर सकते, अंधेरे में हमें गिर सकते हैं, अंधेरे में मर सकते हैं, दुनिया भर का हम विचार देना शुरू करें, या प्रकाश पर हम खूब बोलने लगे कि उजाला हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन दो घंटे चार घंटे हम सिर्फ बोलते रहें तो क्या यहां उजाला हो जाएगा? अगर हम उजाले पर प्रवचन देते रहें, अंधेरे पर प्रवचन देते रहें, तो क्या अंधेरा मिट जाएगा, क्या उजाला हो जाएगा? अगर अंधेरे के साथ सिर्फ हम नफरत की दृष्टि से यहां बैठे रहें कि अंधेरा ठीक नहीं है, अंधेरा गलत है, और अगर सब मिलकर ये बात सोचने लगे तो सुबह तक अंधेरा मिटेगी नहीं, जब तक सूर्योदय ना हो जाए। करना क्या होगा? अंधेरे से नफरत के बजाय, अंधेरे को कोसने के बजाय, अंधेरे को लाठी मारने के बजाय एक बल्ब जला दिया जाए, सारी समस्याओं का समाधान खुद हो जाएगा। हमने इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं, हम अंधेरे से लड़ते रहे, हम अंधेरे से उठम पटकी करते रहे, नकारात्मक ऊर्जा से हम जीवन भर लड़ाई किए, नकारात्मक शक्तियों से हम जीवन भर झगड़े किए, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास हमने कभी नहीं किया। अब यहां जैसे रात में लाठी आप मारें, कितना भी जमीन में पटकें, अंधेरा जाएगा नहीं, जाएगी नहीं, कितने भी कोशिश आप कर लें, अंधेरा मिटेगी नहीं बिना प्रकाश के, और यही काम हमने किया। एक मां बाप से जन्म लेने वाला बच्चा, चाहे दो भाई हो, तीन भाई हो, चार भाई हो, जरा गौर से आप विचार करना, इस पर आप गौर कीजिए।
बड़ी गहराई में वो नकारात्मक ऊर्जा हमारी भर जाती है। एक माँ बाप से जन्म लेने वाले बच्चे, कोई तीन भाई है कोई चार भाई है, वो बचपना में एक साथ एक थाली में खा लेता है बड़े प्यार से, एक ही कपड़े को सब भाई बदल बदल के पहन भी लेता है, एक ही बिछावन पर सो भी जाता है, बल्कि माँ के साथ कौन बैठेगा कौन माँ के पास रहेगा इसका झगड़ा होता है कि नहीं। बड़ा भाई कहता है माँ पर मेरा हक पहले है, छोटा कहता है नहीं मैं छोटा हूं पहले मेरा है, बीच वाला कहता है मैं क्या कोई अलग से आया हूं क्या, मैं भी तो माँ का ही बेटा हूं मेरा भी हक है। तीनों चारों भाई लड़ता है माँ मेरी है माँ मेरी है। उस समय उसके चित्त में मन में कोई नफरत का कोई बीज नहीं है, वो माँ के लिए लड़ता है और भाई से तो कल्पना भी नहीं करता कि मैं भाई से दूर हो जाऊं। बल्कि बड़ा भाई कहीं हॉस्टल चला गया कहीं पढ़ने चला गया, दोनों भाई रोता है कि बड़े भैया को कहां पहुंचा दिया। लेकिन ऐसी कौन सी घटना घट जाती है जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं शादी विवाह हो जाती है और फिर वो भाई भाई का ही दुश्मन बन जाता है। ऐसी कौन सी घटना घट जाती है जब वही बच्चे जो बचपन में माँ मेरी है कहता था अब बड़े होने के बाद वो कहता है नहीं माँ तेरी है, जो माँ की सेवा करने को भी राजी नहीं, जो कहता है अगर एक महीना माँ मेरे पास है तो बड़े भैया अब तेरी बारी है माँ को तुम ले जाओ माँ, ऐसी कौन सी बात हो गई जो माँ अपने बच्चों को इतने सीने से लगा के पाली पोसी अपना हृदय तक काट को रखने को राजी रही अपना भूखी रही बच्चे को पालती रही भोजन कराती रही, ऐसी कौन सी घटना घट गई जो वो माँ बाप बच्चे को भारी होते चले गए, भाई के साथ नफरत होते चली गई। और दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, अपने भाई को एक इंच जमीन देने को राजी नहीं, इतनी नफरत। वो वही नफरत है जो बचपने से हमारे समाज ने हमें दिया है, बचपन से ही जो हमारे समाज के लोगों ने या हमने खुद अपने बच्चों में डाला है, उसको उसके भीतर हमने प्रेम की शक्ति को जगाया नहीं है, उसके भीतर हमने सत्य की शक्ति को जगाया नहीं है, हमने उसे सदैव नफरत की शक्ति को जगाया है, नफरत की ऊर्जा को हमने जगाया है। यहां मत जाना, ये मत करना, वो मत खाना, ये मत बोलना, नकारात्मक ना का भाव जहां भी है हमने सिर्फ उसको ना 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 बस यही हमने किया कि वो तेरा नहीं है, वो समाज तुम्हारा नहीं है, वो संप्रदाय तुम्हारा नहीं है, वो आदमी तुम्हारा नहीं है, वो विचार तुम्हारा नहीं है। अरे जो है असली उसको जगा दीजिए, नहीं है उसको छोड़ दीजिए, अंधेरे को गाली मत दीजिए, आप उजाला तो कर दीजिए, वो खुद समझ जाएगा कि अंधेरा क्या है उजाला क्या है, उजाले की कीमत समझ में आ जाएगी, अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। हमने अंधेरे को खत्म तो करना चाहा लेकिन उजाले की व्यवस्था हमने नहीं की, हमने प्रेम तो चाहा लेकिन प्रेम की व्यवस्था हमने नहीं की, हमने तो नकारात्मक शक्ति भरी है। और जब बचपन से ही किसी में नकारात्मक शक्ति भरी जाती है, जैसे अब बात आती है सदगुरु कबीर ने जहां गलत देखा वहां कहा, सदगुरु कबीर को जहां भी गलत लगा उस पर उन्होंने प्रहार किया, लेकिन सदगुरु कबीर के कहने में और आज हम जो कहते हैं बड़ा फर्क है। सदगुरु कबीर जब कहते थे तो उनके कहने में क्या भाव छिपा होता था, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट और अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। सदगुरु कबीर के हृदय की विशालता देखिए, सदगुरु कबीर के हृदय की विराटता देखिए, वो चोट देते थे लेकिन जिसको भी देते थे जिस समाज को भी देते थे अंदर से प्रेम का हाथ डाल देते थे कि मैं तेरा बुरा नहीं चाह रहा, मैं तुझसे नफरत नहीं कर रहा, मैं तो प्रेम करता हूं इसलिए तेरी बुराइयों को दूर करना चाहता हूं। लेकिन आज अगर हम कोई भी बात कोई भी कुरीतियों पर प्रहार करते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति उस समाज के लिए पहले नफरत हमारे भीतर होती है तब हम बोलते हैं। अगर किसी भी समाज का हम विरोध करते हैं तो नफरत हम पहले ले आते हैं तब हम उसका विरोध करते हैं और परिणाम यह होता है कि उसमें सुधार नहीं होता, वो बिगाड़ और ज्यादा हो जाता है। सदगुरु कबीर क्यों सफल हो गए, महात्मा बुद्ध क्यों सफल हो गए, इसलिए कि उनके भीतर करुणा प्रेम के सिवा नफरत घृणा कहीं थी ही नहीं, घृणा और नफरत वो जानते ही नहीं थे। कोई भी आ जाए, चाहे गरीब आ गया चाहे अमीर आ गया
चाहे जिसको आज हम पिछड़ा कहते हैं या अगड़ा कहते हैं, सदगुरु कबीर की नजर में तो सब इंसान थे, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने बल्कि भेदभाव करने वालों को फटकारा कि तुम भेद क्यों करते हो, इंसान तो इंसान है। उन्होंने कभी ये शब्द प्रयोग नहीं किया कि ये शूद्र है, ये वो ब्राह्मण है। अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं हम समर्थन कर रहे हैं जातिवाद का। सदगुरु कबीर तो उस शब्द को भी प्रयोग नहीं किए, उन्होंने तो बिल्कुल साफ सुथरा कहा कि जो तुम प्रयोग करते हो ब्राह्मण, जो तुम प्रयोग करते हो क्षत्रिय, जो तुम प्रयोग करते हो वैश्य, जो तुम प्रयोग करते हो शूद्र, ये शब्द भी गलत है। इसका अर्थ तो करो पहले, बाहर से तुम सब कुछ बने होते हो, भीतर तो तुम सब एक ही हो, फिर ये शब्द कहां से आ गए, फिर ये शब्दों में तुम वर्गीकरण क्यों कर रहे हो समाज को। अरे कर्म के आधार पर समाज को बांट दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, इसको तुम जाति क्यों बना रहे हो। कोई सेना में है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई शिक्षक है, इसको तुम जातियों में क्यों बांट रहे हो। ये तो एक मात्र कार्य है, लेकिन कार्य को तो जाति बना दिया। कोई ज्ञान दे रहा था, तुमने उसे ब्राह्मण बना दिया। कोई समाज की रक्षा कर रहा था, उसे तुमने क्षत्रिय बना दिया। कोई व्यापार कर रहा था, उसे तुमने वैश्य बना दिया। मजदूरी कर रहा था, उसे तुमने शूद्र बना दिया। अरे ये काम तो सब करता है, फिर ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुमने क्यों रच डाला और रच करके तुमने क्यों बांट डाला। सब तो एक ही था, एक ही घर में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई शिक्षक है, क्या करोगे। साहब ने कहा मैंने उन शब्दों को छोड़ दिया, उन्होंने लिया ही नहीं। उन्होंने कहा ये सारा समाज, ये सारी धरती, बल्कि अब देखिए उनके शब्दों को जब आप पढ़ेंगे तो उनके शब्दों में आप पाएंगे कि वो संपूर्ण जगत के हित की बात करते हैं। वो किसी एक की बात नहीं करते, वो संपूर्ण मानवता की बात करते हैं। आप हम कोई भी होंगे, एक व्यक्ति के लिए रोएंगे, एक परिवार के लिए रोएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं रोऊं या जगत को, कितनी विशालता रही होगी उनकी करुणा की, कितना विराट हृदय रहा होगा जिनके हृदय में ये भाव है कि मैं जगत के लिए रोऊं। हम एक व्यक्ति को पूज्य बना देते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं सब घट मेरो साईं, कितनी बड़ी बात होगी उनके हृदय जो सबके भीतर वो परमात्मा को देख रहे हैं। लेकिन आज वही बात जब हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं नफरत लेके करते हैं, और वही नफरत के बीच, वही नफरत की बातें हमारे बच्चों में चलती चली जाती है। इसलिए वो बचपन में तो वो अबोध होता है, वो नफरत समझता नहीं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तब वो नफरत की बीज जो हमने बचपना में डाला था, वो नकारात्मक शक्ति जो हमने बचपन में जागृत किया था, वो उस समय जगा नहीं था। वो बाद में जब जवानी आती है तो वो सारी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक बीज पुष्पित पल्लवित तो होते हैं, और तब वो भाई भाई में बढ़ता है, माता पिता से बढ़ता है, समाज से बढ़ता है, और फिर वो राष्ट्र में भी बट जाता है। फिर वो व्यक्ति राष्ट्र के लिए नहीं सोचता, फिर वो व्यक्ति मुल्क के लिए नहीं सोचता, फिर वो व्यक्ति मानवता के लिए नहीं सोचता, फिर वो बस अपने लिए ही सोचता है। और आप इसका उदाहरण देखें, आज जितने मंदिर हैं गली गली में, चौक चौराहे में, कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां कोई व्यक्ति पूजा न करता हो। हो सकता है और कोई जगह आपको खाली मिल जाए, लेकिन मंदिर आपको खाली नहीं मिलेगा, मस्जिद आपको खाली नहीं मिलेगा, गिरजाघर गुरुद्वारा आपको खाली नहीं मिलेगा, अस्पताल आपको खाली नहीं मिलेगा, कोर्ट कचहरी आपको खाली नहीं मिलेगा। ये ऐसी जगहें हैं जिसकी आज बड़ी आवश्यकता है समाज में। आज इसी का बोलबाला है, भीड़ देखनी हो तो मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, गिरजाघर गुरुद्वारे चले जाएं, कोई भी पूजा स्थल आप चले जाएं, और फिर कोर्ट कचहरी अस्पताल चले जाएं। लेकिन जहां मानव हित की बात हो, जहां संस्कारों को सज्जित करने की बात हो, वहां इक्के दुक्के लोग मिलेंगे। तो आप अगर कभी मंदिर गए हो या जाते हो तो कभी आप सुनना वहां जो लोग प्रार्थना करने जाते हैं कि हमारे भीतर नफरत किस कदर भरी पड़ी है, कि हमारे भीतर घृणा किस कदर भरी पड़ी है। हम समाज के लिए नहीं सोचते, हम राष्ट्र के लिए नहीं सोचते। एक आदमी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, ओम जय जगदीश हरे कर रहा है, या जय गणेश देवा कर रहा है, या कोई भी प्रार्थना गा रहा है, ओम नमः शिवाय हो या ओम जय जगदीश हरे, जो भी हो, उसके बाद जब वो मन ही मन भगवान से मांगता है तो उस मांग में कितना भयंकर स्वार्थ छिपा होता है। या कोई गंगा स्नान को गया है और गंगा मैया से जब वो मांग रहा होता है तो उसके मांग में कितनी अधिक अपने लिए
कामना होती है वो आप जरा सुनना या समझना या आप खुद सोचना।